नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्षित गुप्ता लखनऊ से। आरएक्सटर रेडियो टॉक शो पर आपका स्वागत है डॉक्टर। व्हाट इज डिसलिपिडेमिया? व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ डिसलिपिडेमिया? नमस्कार, मैं लखनऊ से डॉक्टर हर्षित गुप्ता, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। डिसलिपिडेमिया के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी और बेसिकली ये लिपिड डे हम इसीलिए मनाते हैं ताकि डिसलिपिडेमिया या फिर लिपिड डिसऑर्डर या फिर जो चिकनाई और वसा से जो बीमारी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है उसके बारे में लोगों के बीच हम और जागरूकता पैदा कर सकें और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और अवेयर रहें। ऐसी जैसे मैंने वर्ड से ही आपको पता चला डिसलिपिडेमिया का मतलब होता है लिपिड प्रोफाइल की गड़बड़ी, एबनॉर्मैलिटी। लिपिड हमारे शरीर में जो भी हम अपने उम्र भर में चिकनाई, घी, तेल, वसा, जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब हमारे शरीर में कलेक्ट होने लगता है और उनको ठीक करके हम डिसलिपिडेमिया को भी करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डायबिटीज एंड डिसलिपिडेमिया? जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और आप ये मान के चलिए लगभग 70% लोग जिनको शुगर की बीमारी रहती है उनमें डिसलिपिडेमिया या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ होने की संभावना पाई जाती है। जैसे कि आपने मुझसे कारण पूछे थे, इसमें एक मुख्य कारण डायबिटीज भी रहता है। जो लोग डायबिटिक्स हैं या डायबिटीज के शिकार हैं उनको हमेशा एटलीस्ट अगर शुगर वगैरह सब कंट्रोल चल रहा है और रिपोर्ट ठीक रहती है तो एटलीस्ट साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल अवश्य चेक कराए करें। बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है और मैंने जैसे बताया ऑलमोस्ट 2/3 लोगों में ये लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ रहता है और शुगर के साथ में हो सकता है इन्हें कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन खानी पड़े और तभी आप अपने हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर, इज डिसलिपिडेमिया क्यूरेबल एंड हाउ लॉन्ग शुड द पेशेंट टेक मेडिसिंस फॉर द सेम? देखिए, डिसलिपिडेमिया अवेयरनेस का मतलब होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा जाता है। डिसलिपिडेमिया से बचाव ही उसका सबसे बेस्ट उपचार है। इसका मतलब होता है कि देखिए, क्योरेबल दवा खाएंगे तो ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। आप दवा बंद करेंगे और अपना खाना पीना ठीक नहीं रखेंगे, बाहर का जंक, घी, तेल, चिकनाई ये सब खाना शुरू कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल भी फिर से बढ़ सकता है। तो इसलिए क्योरेबल, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये डिजीज क्योरेबल है अगर टाइमली हम इसको पकड़ सकते हैं। इसकी दवाएं आज के समय में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, टाइमली आप मेडिसिन खाएंगे तो ये चीज बिल्कुल क्योरेबल है और लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट डेफिनेटली है बट ये है कि डाइटरी प्रिकॉशंस भी आपको इसके साथ रेगुलर मेंटेन रखना पड़ेगा। डॉक्टर, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल? डिसलिपिडेमिया या फिर कोलेस्ट्रॉल की जो डिसऑर्डर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बहुत ज्यादा कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं ऐसा सच में, क्योंकि ये जो चिकनाई होती है ये खुद से कुछ दिक्कत नहीं प्रोड्यूस करती है। ये चिकनाई जो है ये हमारे शरीर की जो रक्त धमनियां होती है उसमें जमा होने लगती है और उसका जो है वेसल का जो ल्यूमेन है उसको ऑक्लूड करके जो लक्षण प्रोड्यूस होते हैं वो सब बहुत ही हानिकारक रहते हैं। जैसे कि ये खुद से तो कोई लक्षण नहीं करेंगे बट ये अगर हार्ट की नसों को ब्लॉक कर देते हैं तो ये हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं या फिर अगर दिमाग की नसों को बंद करते हैं तो ये स्ट्रोक या पैरालिसिस या ये कॉज कर सकते हैं। इस तरीके से ये जिस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, जहां जमा होंगे उस ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देंगे। एज सच इनके खुद का कोई बहुत मेजर लक्षण नहीं होता है। डॉक्टर, व्हाट आर नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड एचडीएल लेवल्स? जैसे मैंने बताया लिपिड प्रोफाइल जो हमारे शरीर का हम एक जांच होती है जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल से पता चलता है। लिपिड प्रोफाइल कराने पर कई सारे पैरामीटर्स पता चलते हैं हमें, जैसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल होता है, वीएलडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जो लिपिड प्रोफाइल में हमको मिलते हैं। इन्हीं में जो दो चीजें हैं जैसे एलडीएल और एचडीएल, एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना हानिकारक है और एलडीएल और एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजों को नियंत्रण में रखना चाहिए। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड।